पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो देखो कृष्ण, काश पापा यहां होते। वो यही है, मैंने हमारी बेटी का नाम रोहित रखा। बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाय। दोस्तों, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा स्टार राकेश रोशन की फिल्म क्रिश की रिलीज को पूरे 15 साल हो चुके हैं। 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत को इसका पहला सुपर हीरो दिया था और फिल्म का जश्न फैंस के साथ ऋतिक रोशन भी मना रहे हैं। लेकिन ऋतिक रोशन ने इस जश्न को दोगुना कर दिया क्रिश 4 के ऐलान के साथ। एक छोटा सा वीडियो उन्होंने पोस्ट कर लिखा, जो बीत गया सो बीत गया, अब जो आने वाला है वो देखने लायक होगा। साथ ही ऋतिक रोशन ने हैशटैग डाले #15yearsofcrish और फिर क्रिश 4 का धमाका। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, ऋतिक रोशन ने इस ट्वीट के बाद से फैंस के बीच जो माहौल है वो देखने लायक है। ट्विटर पर फैंस ये खुशी क्रिश 4 को लगातार ट्वीट कर जाहिर कर रहे हैं। अब हर कोई क्रिश की अगली किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने भी साफ कर दिया है कि क्रिश 4 निश्चित तौर से पाइपलाइन में है। पहले खबरें थी कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में 3 किरदारों में दिखेंगे और एक में वो विलन होंगे, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। अब ये तो तय है कि ऋतिक का फिल्म में ट्रिपल रोल होगा, लेकिन सब पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव ये नहीं पता। इस तरह की कई और अफवाहें फिल्म से जुड़ी हुई हैं जो हम आपको बता देते हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। खबरों की माने तो ये फिल्म कम से कम 1 साल के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। इसकी शुरुआत 2022 से हो सकती है। दरअसल फिल्म में ऋतिक रोशन 3 किरदारों में दिखाई दे सकते हैं। इन 3 किरदारों के लिए 3 अलग अलग लुक डिजाइन किए गए हैं। इन लुक की टक्कर है सीधा बाहुबली की देवसेना से। जिस तरह बाहुबली के किरदार 2 अलग अलग जनरेशन में बेहद शानदार तरीके से ढलते दिखे, उसी तरह ऋतिक के तीनों लुक 3 अलग जनरेशन के होने चाहिए और बिल्कुल असली। इसके लिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने क्रिश 4 के VFX की पूरी जिम्मेदारी ले ली है और वो एक एक सुपर विलन बेहद शानदार तरीके से डिज़ाइन करने वाला है। वहीं आपको बता दें, कहानी की बात करें तो इस बार जादू वापस आने वाला है और हो सकता है टाइम मशीन का भी इस्तेमाल किया कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में हो सकती है। प्रियंका चोपड़ा नहीं होने वाली, ये भी तय है। और साथ ही एक और एक्ट्रेस इस फिल्म में दिखेंगी, वो है उर्वशी रौतेला। सुपर विलन्स की फौज खड़ी करने की तैयारी है, बहुत कुछ खास होने वाला है और हॉलीवुड टीम को अप्रोच किया गया है क्रिश 4 के लिए। राकेश रोशन ने कमर कस ली है, अब देखना होगा कि कब ये फ्लोर पर आएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं क्रिश 4 के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।